हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम आपके साथ कुछ ऐसी चीजों के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जिनका यूज आप अपने डेली के रूटीन में करते होंगे या फिर कभी कभी करते होंगे, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि हमारे लिए अच्छी तो होती हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ फूड आइटम जो होते हैं जैसे कि ओवर कुक कर लेते हैं तब भी वो नुकसान करते हैं, उनके अंदर का प्रोटीन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसी तरीके से अगर हम किसी भी चीज को प्रॉपरली कुक भी नहीं करते हैं तब भी वो हमारे लिए हार्मफुल होता है। और कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनका खाने का सही तरीका नहीं पता होता है हमें, कैसे खाना है, कैसे इन चीजों का यूज करना है, जिसकी वजह से भी वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो जाता है। तो आज हम आपके साथ कुछ ऐसी ही फूड आइटम के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, बात करेंगे, आपको पूरा अच्छे से क्लियर करके बताएंगे कि इन चीजों को कैसे यूज करना हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। अगर इनका यूज हम प्रॉपरली नहीं करते हैं तो ये हमारी बॉडी पे बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट शो करते हैं। सबसे पहला जो है वो है किडनी बीन्स, राजमा। आप सभी को पता होगा कि राजमा हमारी बॉडी के लिए कितना अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है। इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स होते हैं, जैसे कि इसके अंदर लैक्टिन भी होता है, नाइट्रेट भी होता है, और क्या क्या पाया जाता है इसके अंदर, सोडियम होता है, फाइबर होता है, मतलब और भी बहुत सारे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स पाए जाते हैं किडनी बीन्स के अंदर, राजमे के अंदर। लेकिन इसी राजमे को अगर हम सही तरीके से नहीं यूज करते हैं तो ये हमारी बॉडी पे, हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक हो सकता है, जहरीला हो सकता है। कैसे? राजमा अगर जरा सा भी अनकुक रह गया, मतलब सही से नहीं पका, सॉफ्ट सॉफ्ट नहीं हुआ एकदम, ये नहीं सोचे कि ठीक है हल्का सा तो पक गया अब हम जो है निकाल के खाने लगते, ठीक है नॉर्मल भी रहेगा तब भी अच्छा लगेगा, लेकिन नहीं, इसको कम से कम आपको बनाने से पहले 5 से 6 घंटे पहले राजमे को पहले भिगो दीजिए। भिगोने के बाद कम से कम 40 मिनट नहीं तो आधे घंटे इसे पकाइए ताकि ये अच्छे से एकदम पक जाए। जब खूब सॉफ्ट हो जाए, जब हाथ से टच करने पे वो टूट जाए, लग जाए, हाँ अब पक गया है, कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि ये अच्छे से नहीं पका, तब आप उसकी सब्जी बनाइए। सब्जी बनाने के बाद भी जो है खूब पकाइए, मतलब अच्छे से पकाकर खाना है उसे। अगर आपने अच्छे से पकाकर नहीं खाया तो जो इसके अंदर लैक्टिन है, जब इसे हम पकाकर खाएंगे तो वो लैक्टिन हमारी बॉडी के लिए अच्छा होगा, लेकिन अगर ये प्रॉपरली कुक नहीं हुआ तो यही लैक्टिन हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक बन जाता है। जब ये लैक्टिन बॉडी के लिए टॉक्सिक बन जाएगा तो हमारी बॉडी इसे सही से डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से आपको इनडाइजेशन या फिर अदर और बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए आप क्या करिए, राजमे के साथ भी, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ राजमा, कोई भी सब्जी हो या कोई भी चीज हो, जैसे दाल भी होती है, उसे खूब पकाकर खाना चाहिए। ये नहीं कि उसे आधा पका लेते हैं फिर ठीक है ऐसे रहता नॉर्मली हम खा लेते हैं, नहीं, उसे हो सके जितना पहले तो दाल भिगो दीजिए, भिगोने के बाद तब बनाइए, तब दाल भी अच्छी बनेगी, अच्छे से वो पक भी जाएगी और हमारी बॉडी पे इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं शो होगा। कुछ चीजें होती हैं जिन्हें बहुत ज्यादा ओवर कुक नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें प्रॉपरली कुक भी करके यूज करना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसे हम हल्का फुल्का कुक कर ले तब यूज करें। तो आज से जब भी आप राजमा बनाइए इसे सही तरीके से बनाइए, पहले जो है 4 से 5 घंटे के लिए भिगो दीजिए ताकि वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, देन उसे आधे घंटे 40 मिनट के लिए बॉईल करिए, तब उसकी सब्जी बनाइए। इस तरीके से राजमे का यूज करना, राजमा बहुत हार्ड होता है, अगर आपने इसे सही से पका कर नहीं खाया तो आपकी बॉडी इसे सही से डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी। डेली राजमा खाना भी नहीं चाहिए, कभी कभी खाइए, हफ्ते में 2 दिन डिसाइड कर लीजिए खाइए, क्योंकि ये इतना ज्यादा हैवी होता है और रात में राजमा तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। अगर आपने रात में राजमा खाया तो आपकी बॉडी इसे सही से डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी। मैंने बहुत सारी वीडियोस इस रिलेटेड बनाई हैं कि रात में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, आप जाइए हमारे चैनल पर देखिए। नेक्स्ट है वो है ग्रीन पोटैटो, हरी आलू। कभी कभी आलू, जैसे कि अगर सही से आलू तो मिट्टी के अंदर होती है, अगर वो बाहर आ गई, मतलब उसको प्रॉपर नहीं मिल रहा है सॉयल,
वो किसी कारण से बाहर आ गई, कुछ हो गया सही से, वो नहीं उग पाई, वो बाहर आ गई आलू, मतलब वो मिट्टी के अंदर नहीं है, तो उसके धूप पड़ते 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 वो ग्लाइको एल्कलॉइड बना लेगा, जिसकी वजह से वो हरी हो जाएगी। जब वो हरी हो जाएगी तो उसके अंदर क्या प्रेजेंट रहेगा, उसके अंदर आ जाता है सोलेनिन आ जाता है, और वही अगर हरी आलू हम खाते हैं तो वो सोलेनिन हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, हमारी बॉडी के लिए वो डैमेज, हमारी बॉडी को डैमेज कर सकता है। इसीलिए ये नहीं कि जो मतलब जैसे कि आलू है इतनी दूर में हरी है तो हम क्या करें, हरे वाले पार्ट को निकाल दें, हरे आधा पार्ट खा लें, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। कोई भी फ्रूट हो, कोई भी वेजिटेबल हो, कुछ भी अगर वो थोड़ा सा खराब हुआ तो मतलब वो पूरा खराब हो चुका है। जैसे हमारा कोई बॉडी पार्ट है, अगर यहाँ पे डैमेज हुआ आसपास की सेल्स को भी वो डैमेज कर देता है। जैसे कि जब रेडियोथेरेपी की जाती है तो जब वो रेडिएशन दी जाती है तो यहाँ पे जैसे कैंसर हुआ, यहाँ पे रेडिएशन दी जा रही है तो ये आसपास की सेल को भी डैमेज करता है। वही सेम चीज हम अपना सकते हैं किसी वेजिटेबल पे या किसी फूड्स पे। अगर वो थोड़ा सा खराब हुआ है, ऐसा कभी मत करिएगा कि आप उस पार्ट को, खराब वाले पार्ट को निकाल दें, बाकी पार्ट को हम खा लें। ऐसा कभी नहीं करना है, पूरे पार्ट को नहीं खाना है। जब भी आप आलू लेने जाइए मार्केट से, प्रॉपर देख के लीजिए। अगर दुकानदार कह भी रहा है कि ये हरा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसे काट के निकाल दीजिएगा, नहीं, हमें लेना ही नहीं है, क्योंकि जो पूरा फ्रेश होगा वही हम लेंगे। हरे वाले पार्ट को कभी निकाल कर और आधा पार्ट नहीं खाना है, वो पूरा आलू खराब हो चुका है। अगर आप हरी वाली आलू को खाते हैं उससे कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये छोटी सी छोटी इंफॉर्मेशन हम अगर रखते हैं, हमें पता होता है, तभी हम अपनी बॉडी को फिट रख सकते हैं और डिजीज फ्री भी रख सकते हैं। क्योंकि आजकल लोग अपनी दुनिया में इतने ज्यादा खुश हैं, मतलब जो है अपनी अपने डेली के रूटीन में इतने ज्यादा हैप्पी हैं कि वो अपनी बॉडी पे प्रॉपर केयर ही नहीं करते, बॉडी को टाइम ही नहीं देते हैं। अगर आप अपनी बॉडी को टाइम नहीं देंगे, उसकी प्रॉपर केयर नहीं करेंगे, तो आप हमेशा बीमार पड़े रहेंगे, कभी आप फिट ही नहीं रहेंगे। नेक्स्ट है वो है बिटर आलमंड। कभी कभी बादाम हम मार्केट से लेकर आते हैं और इसीलिए बादाम लेने जाइए तो वहीं पे खा के देख लीजिए, कहीं इसके अंदर कड़वा जो है कड़वापन तो नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा बिटर होगा, कड़वा होगा, कड़वा बादाम हमें नहीं खाना चाहिए, हमारी बॉडी भी उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी और वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है। इसीलिए जब भी मार्केट से लेने जाइए अच्छा वाला बादाम लीजिए, हाई क्वालिटी वाला बादाम लीजिए। जब आप हाई क्वालिटी वाला बादाम लेंगे तो वो बादाम अच्छा भी होगा, कड़वा भी नहीं होगा और अच्छे से हमारी बॉडी उसे डाइजेस्ट भी कर सकती है। कभी कभी हम खीरा भी लेकर आते हैं मार्केट से तो वो खाने में थोड़ा सा कड़वा लगता है, हम क्या करते हैं उस पार्ट को निकाल कर फेंक देते हैं, फिर खाने लगते तब भी हल्का फुल्का कड़वा लगता है, इग्नोर करके उसे खा लेते, नहीं करना चाहिए। कोई भी ऐसी चीज जो कड़वीपन लगे, जो जिसको नहीं होना चाहिए वो फिर भी है, उसका यूज हमें नहीं करना चाहिए। तो खीरा लेके आइए मार्केट से, अगर वो कड़वा है तो उसे फेंक दीजिए, उसका यूज मत करिए। नेक्स्ट है वो ये है कि हनी, शहद तो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, शहद लेना भी चाहिए, लेकिन शहद को कभी भी पका कर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हम बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, गलत इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, गलत लोगों की इन्फॉर्मेशन लेते हैं, हमें ये नहीं पता होता कि उनकी इन्फॉर्मेशन अच्छी है कि नहीं अच्छी है, हम क्या करते हैं उस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर देते हैं और गलत गलत तरीके की लाइफ स्टाइल को फॉलो करने लगते हैं, जिसकी वजह से वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है। तो जैसे कि अगर आप शहद को पका कर ले रहे हैं, अगर आप शहद को पका देते हैं तो उसके अंदर का जो भी प्रोटीन है, उसके अंदर का जो भी न्यूट्रिशन है, वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसीलिए कभी भी शहद को पका कर नहीं लेना चाहिए। तो आज हमने आपके साथ ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन शेयर की है, इसे आप सब तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए ताकि हर किसी को पता चल जाए कि क्या चीज़ हमें कैसे लेनी चाहिए, कैसे नहीं लेनी चाहिए। तो इन चीज़ों को जब भी आप यूज़
करें तो उसी तरीके से यूज करें जैसे हमने आपके साथ शेयर किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ऐसा लगा हो कि ये वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें दे रही है, तो हर किसी के पास तक जरूर से जरूर शेयर करिए और कमेंट सेशन में जरूर बताइए कि आपको इस वीडियो से क्या नॉलेज मिली है, क्या इंफॉर्मेशन मिली है। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई सोल्यूशन जानना चाहते हैं, तो आप तुरंत कमेंट सेशन में आइए, कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई 100% देंगे। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। फिर मिलेंगे सर के सौर भी अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।